रत्न सिंहासन रे महाप्रभु मंगल आरती ठारु बड़ सिंहार पहुड़ पर्यंत अनेक सुवासित पुष्प भिन्न भिन्न रंगर लगे था जमती नाकुआसी करपल्लव हृदपल्लव अधरमाल झुंपा बसुणी विभिन्न प्रकार अलंकार सब पुष्प लगे था पुष्प रसिक होती जगन्नाथ महाप्रभु किंतु अनवसर समय केवल सुवासित सुगंधित धला रंगर फूल को महाप्रभु लगि होता जुई जाई मल्ली सुगंधराज टगर आदि धला पद्म केवल धला फूल सुवासित फूल ही लगे था माल लगे ना झुरा फूल सब लगे एवं नैवेद्य षाठी पौटी नैवेद्य रु महाप्रभु दूरे की रही था कहीं ज्वर प्रपीड़ित शरीर कौन से महाप्रभु नैवेद्य कौन करा था पति महापात्र ताटी भितर ताटी गृह भितर अणसर पिंडी श्रीजीव मान पणस सपुरी देशी कदमी छेना फूल सर पणा ये सबको नैवेद्य अर्पण करु पटिदिया आगे दशवतार दि जो रही सम्मुखें जमीती चिराचरित भाव अन्न व्यंजन आदि अबड़ा डाली बेसर अन्न विभिन्न प्रकार जमीती महाप्रभु षाठी पौटी सब पूजापंडा सामंत नैवेद्य लग कर किंतु महाप्रभुंर पंदर दिन पर्यंत ये षाठी पहीटर महाप्रभु दूरे की रुहति ये सब छेना सर आदि नैवेद्य लग हुए इति अवसर में पूज्य पूजक मार्गदर्शक समाज संस्कारक बाबा बलियांकर स्वहस्तरे निर्मित जो सुंदर संस्कार धर्मी आश्रम पवित्र शिशुअनंत आश्रम अरिलो ठारे प्रभु शिशुअनंतर वैशाख पूर्णमीर परे परे सप्त दिवस व्यापी अनवसर सेवाटी करा जाई थाए एही समय रे सेवक माने महाप्रभु को घी मरीच पादरे घसी देवा ठारु पाचन रस को अर्पण करिवा ठारु स्वादिष्ट फल एवं विभिन्न प्रकार पणा सेवा महाप्रभु को अर्पण करी आलट चामर धीरे धीरे मृदु मृदु शब्द रे महाप्रभु को अर्पण करिथांती विभिन्न प्रकार स्तव स्तोत्र वैदिक मंत्र सब लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखिबा पाए आम चैनल लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु शेयर करंतु आखी।